Hello friends, my name is Shubhankar Paul, and today we'll discussing about 2019 NATA question. So here this is the question for of you all, and अभी इस question को आप सब लोग जानते हो क्या है, तो मैं सीधा direct चला जाता हूँ painting में. So इस question को भरने के लिए, composition को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो at first you have to focus कि हमारा perspective कितना स्ट्रांग है. तो मैं कोई भी कॉम्पोजिशन लूँ तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम उसको हॉराइजेंटल लाइन में नहीं देखेंगे, उसके लिए हम कॉम्पोजिशन में या तो आपके जो स्पेस है पेपर में डेप्थ देने के लिए, एट फर्स्ट हम लोग वर्टिकल लाइंस, कुछ स्लंटिंग लाइंस यूज करेंगे. उससे क्या होता है कि कोई भी कॉम्पोजिशन में डेप्थ आ जाता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो, इधर मैं उस कॉम्पोजिशन को दिखाने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है. इससे क्या होता है, आपका कॉम्पोजिशन स्ट्रांग होता है, एंड ऑल्सो आपको आपकी कॉम्पोजिशन में जो खामियां होगा वो दिखाई नहीं देगा ज़्यादा. तो इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है. जैसे कि आपकी जो यहाँ पे विंडो है, वुडन विंडो, उसके लिए मैं टू पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, जिसका पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट कुछ और है. एंड यहाँ पे जो टी स्टॉल एंड ऑल दैट वगैरह जो है इधर रास्ते में, इसका पर्सपेक्टिव कुछ और है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि आप फर्स्ट फ्लोर या तो सेकंड फ्लोर पे बैठे हो, ऊपर से इस व्यू को देख रहे हो, तो इसके हिसाब से हमारा जो पर्सपेक्टिव, जो यहाँ का जो विजन है वो बहुत दूर जा रहा है. एंड जैसे कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा गया था कि बियॉन्ड द प्ले ग्राउंड देयर इज अ टी स्टॉल एंड इट्स अ रेनी सीजन. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा टी स्टॉल और हॉस्पिटल को दिखाने के लिए बियॉन्ड द प्ले ग्राउंड जो कि है. तो रेनी सीजन में विजिबिलिटी बहुत कम होता है, तो फिर मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. एंड आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ह्यूमन फिगर्स होते हैं, तो ह्यूमन फिगर्स को मैं ज़्यादा ध्यान में रखते हुए क्या करूँगा कि ह्यूमन फिगर्स मैं उससे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगा, जहाँ पे मैं ह्यूमन फिगर्स बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता हूँ. एंड यहाँ देखो कि यहाँ पे मैंने ह्यूमन फिगर्स यूज़ किया है, जहाँ पे दो बच्चे पेपर बोर्ड बना के खेल रहे थे. एंड रेनी सीजन बताने का और एक ट्रिक है कि आप ऐसे ही पेंसिल ड्राइंग में रेनी सीजन इजीली बता सकते हो कि कुछ लोगों को मैं यहाँ पे विथ देयर अम्ब्रेलाज मैंने खड़ा कर दिया, जो कि यहाँ पे कोई एक स्टॉल है जिसमें वो कुछ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या तो कुछ कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में चल रहा है. एंड देयर इज़ ऑल्सो थिंग कि रिलेशन बिटवीन दी सब्जेक्ट्स, कि यहाँ पे जो इंसान जो ह्यूमन फिगर्स मैंने यूज़ किया उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी ह्यूमन फिगर, जैसे इसके साथ इसका, ये जो स्टॉल वाले हैं एंड यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखा सकते हो आप. एंड ऑल्सो यहाँ पे जो तीन बच्चे खेल रहे हैं, उन तीनों के बीच में हम एक रिलेशनशिप देख सकते हैं. एंड अदरवाइज आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि मैं पेड़ और यहाँ पे कुछ मकान ऐसे छोटे हार्ट्स यूज़ किए हैं, उससे क्या होता है हमारा कॉम्पोजिशन और भी स्ट्रांग हो जाता है. जैसे कि कुछ खाली स्पेस रहते हैं, तो उन स्पेस में हम छोटे छोटे घर ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो हमारा रूरल जो एरिया है वो भी दिखेगा, एंड वो कॉम्पोजिशन भी और स्ट्रांग हो जाएगा. थैंक यू.